चुनावी महाकुंभ का आज अंतिम दिन, सातवें चरण में 57 सीटों पर पड़ेंगे वोट, कई दिग्गजों की सीटें दांव पर। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का बड़ा खुलासा, 2024 लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज भाजपाई हार सकते हैं चुनाव। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली, आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। पूरा देश चुनावी महाकुंभ में भाग ले रहा है, वहीं आज अंतिम चरण में 57 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाता भी अपनी खूब भागीदारी निभा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, परंतु जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वह बहुत चौंकाने वाली हैं। और इस लोकसभा चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। उन्हीं दिग्गजों में से हम आपको 10 भाजपा के दिग्गजों के नाम बताने जा रहे हैं जिनके लिए खबरें बड़ी ही असंतोषजनक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार भाजपा के ये दिग्गज चुनाव हार सकते हैं। हमारी सूची में प्रथम स्थान पर हैं रिंकिया के पापा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट के प्रत्याशी मनोज तिवारी, साल 2014 बाद 2019 में मनोज तिवारी ने इसी सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई, परंतु अब 2024 में मनोज तिवारी के सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों के अनुसार इस बार मनोज तिवारी ये सीट हार सकते हैं। और हमारी सूची में दूसरे स्थान पर हैं स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मुख्य भूमिका निभाने वाली अमेठी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की प्रत्याशी स्मृति ईरानी हैं। ये वर्तमान में केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में इन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर अपनी जीत दर्ज कराई थी, परंतु जनता इनके कार्यकाल से नाखुश है। और वर्तमान में इनके सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार स्मृति ईरानी ये चुनाव हार सकती है। और इस सूची के तीसरा नाम है संबित पात्रा का, भाजपा के प्रवक्ता जो अक्सर आपको टीवी डिबेट में नजर आएंगे और साथ ही वर्तमान चुनाव में अपने एक बयान से ये खूब चर्चाओं में रहे, जिसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगी। इन्होंने भगवान जगन्नाथ को भी मोदी का भक्त बता दिया। पूरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं संबित पात्रा। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार संबित पात्रा भी लोकसभा चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। और हमारी सूची के चौथे स्थान पर हैं जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री। साल 1996 से लेकर 2024 तक इस हाई प्रोफाइल सीट पर मेनका गांधी व उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव जीतते आ रहे हैं, परंतु 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट पर जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का मानना है कि जितिन प्रसाद इस सीट से चुनाव हार सकते हैं। और हमारी सूची में पांचवें स्थान पर हैं राजीव चंद्रशेखर, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के पद पर तैनात हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं। जी हाँ, त्रिवंतपुरम लोकसभा सीट के प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार चुनाव हार सकते हैं। और हमारी इस सूची के छठे स्थान पर हैं कंगना रनौत, 2014 से भारत को आज़ादी दिलाने वाली फिल्मी दुनिया व अपने बयानों के चलते सदैव सुर्खियों में रहने वाली हिमाचल प्रदेश से मंडी लोकसभा सीट की प्रत्याशी कंगना रनौत। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार कंगना रनौत बुरी तरह से हारती दिख रही हैं। और हमारे सूची के अनुसार सातवें स्थान पर हैं हेमा मालिनी, फिल्मी दुनिया की ड्रीम गर्ल हैं और बीते 10 वर्षों से भाजपा की सांसद हैं। जनता जनार्दन इनसे भी खुश नहीं है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट की प्रत्याशी हेमा मालिनी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार सकती हैं। और हमारी सूची में आठवें स्थान पर हैं रवि किशन, भोजपुरी सिनेमा के जाने माने सितारे जो वर्तमान में सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार रवि किशन भी 2024 का लोकसभा चुनाव हार सकते हैं। और हमारी सूची में नौवें स्थान पर हैं अरुण गोविल, टीवी सीरियल रामायण के राम। जी हाँ, रामायण धारावाहिक में श्री राम का किरदार निभाने वाले भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल प्रत्याशी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की माने तो अरुण गोविल भी लोकसभा चुनाव हार सकते हैं और हमारी सूची के अनुसार 10वें स्थान पर हैं भूपेंद्र अधिकारी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष व भाजपा के सबसे गद्दावर नेता पश्चिम बंगाल की कांठी लोकसभा सीट के प्रत्याशी भूपेंद्र अधिकारी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव हार सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।